Assalamualaikum everyone, this is Dr. Sahar Chawla, right at your service. और मैं आपको बता रही हूँ गोल्डन स्पाइस, स्पाइस ऑफ लाइफ के बारे में, कि शायद ही कोई बीमारी हो जिसमें हमारे पास स्पाइस ऑफ लाइफ भी, मैं इसको कहती हूँ गोल्डन स्पाइस, उसका फ़ायदा ना हो रहा हो. और मैं बात कर रही हूँ ऑर्गेनिक हल्दी और टर्मरिक के बारे में. याद रखिए कि जो हमें करक्यूमिन सप्लीमेंट्स मिलते हैं, हल्दी को हमेशा उसमें मौजूद करक्यूमिन की वजह से फेमस माना जाता है. हल्दी में सिर्फ करक्यूमिन नहीं है जो कि उसके बेशुमार फ़ायदों के लिए ज़िम्मेदार है, जिससे डिफरेंट की इन्फ्लेमेशन और बीमारियों और बॉडी को हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं और बीमारियों से आप प्रोटेक्टेड रहते हैं, उससे आपकी हिफाजत होती है. करक्यूमिन के अलावा भी बहुत कुछ है हल्दी में जो कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है. इसलिए हमेशा ऑर्गेनिक हल्दी पाउडर जो है वो बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू द खाली करक्यूमिन टैबलेट. उस दिन मुझे किसी ने मैसेज किया था, डॉक्टर साहर आपने अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, हल्दी पाउडर भी लॉन्च किया है, होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला मेरी ब्रांड है, तो आपने कैप्सूल्स क्यों नहीं लॉन्च किए करक्यूमिन के? इसे मैंने लॉन्च किए क्योंकि असल फ़ायदा आपको हल्दी पाउडर से मिलता है. और ये जिस्म में इतना अच्छा एब्जॉर्ब क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें मौजूद जो मेजॉरिटी आपके जिस्म को फ़ायदा पहुंचाने वाले कंपाउंड्स हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं. यानी आपको किसी ना किसी फॉर्म के फैट के साथ लेना पड़ता है, या उसको देसी घी के साथ लेना पड़ता है, या उसको नारियल के तेल के साथ लेना पड़ता है. अगर आपको डेयरी सूट करती है उसको दूध के साथ लेना पड़ता है. काली मिर्च में मौजूद कंपाउंड जो पेपरिन है वो इसके जो अच्छे वाले कंपाउंड्स हैं इंक्लूडिंग करक्यूमिन, उसके आपके खून में जो जज्ब होने की स्पीड है उसको 2000 टाइम्स तक बढ़ा सकता है. तो उसके साथ आप इसको ले सकते हैं, तो इसके फायदे बढ़ सकते हैं. जैसे ये मेरा हल्दी पाउडर है, इसका आप, अगर आपको हल्दी की आदत नहीं है, आधा टीस्पून नहीं तो एक टीस्पून आप अपना ऑमलेट इसमें बनाएं, या फिर आप गर्म पानी में ले लें. और इसको अगर आप गर्म भी करते हैं तो इसकी तासीर नहीं जाएगी, इसकी तासीर बल्कि ज़्यादा होगी इसमें मौजूद कंपाउंड्स की, अगर आप इसको पानी के साथ गर्म भी करते हैं. आप उसमें चुटकी भर काली मिर्च डालें और आप उससे फ़ायदे उठाएँ. मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम एंटी डायबिटिक हर्ब्स की बात करते हैं तो हल्दी रूट लेवल पे जाके डायबिटीज़ को ट्रीट करने में काम आता है, अलॉन्ग विद और एंटी डायबिटिक हर्ब्स के साथ, दालचीनी, सुहांजना वगैरह के साथ, क्योंकि आपके पास इंसुलिन रेजिस्टेंस को ये बड़े बेहतरीन तरीके से जो है वो रिवर्स करता है. इसके साथ साथ हमारी बॉडी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है ग्लूटाथायोन, जो बीमारियों के अगेंस्ट फाइट करता है, खास करके खून के सेल्स को डैमेज नहीं होने देता, ये आपको उसको डायरेक्ट एक्टिवेट करता है, आपके मूड को, आपकी लर्निंग पावर को, आपकी मेमोरी को, इन चीज़ों को बूस्ट करता है. क्योंकि करक्यूमिन में एबिलिटी होती है ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करने की, और सारे इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस से जब आपको प्रोटेक्ट करता है तो आर्थराइटिस में भी अच्छा है, गाउट में भी अच्छा है, दिल की शरियानों में प्लाक वगैरह बनने से ये रोकता है, आपकी मेमोरी को ये बूस्ट करता है क्योंकि दिमाग में आपके पास इन्फ्लेमेशन जो है उसको कम करता है. और मैंने एक बार बात की थी कि अश्वगंधा, शतावरी, ये सब एडेप्टोजिन्स हैं, तुलसी यानी आपके जिस्म में स्ट्रेस कम करते हैं, हल्दी बहुत बेहतरीन एडेप्टोजिन है, आपके एड्रिनल ग्लैंड को रेगुलेट करता है, आपका जो स्ट्रेस हार्मोन का लेवल है उसको बढ़ने नहीं देता. एंड अदर देन दैट, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है, क्योंकि कैंसर मोस्टली स्टार्ट होता है डीएनए में एक सडन चेंज से, म्यूटेशन से. ये डीएनए को इस तरह रेगुलेट करता है कि उसमें म्यूटेशन नहीं होती और बॉडी में एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म चल रहा होता है. यानी जो सेल डैमेज हो गए हैं ये चलता रहता है अल्लाह की तरफ से हर वक्त. अगर वो मैकेनिज्म डैमेज हो जाए तो कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है, ऑटोइम्यून डिजीज़ का. जो सेल डैमेज हो गए हैं, जो प्रोटीन ख़राब हो गई है, उनकी अपने आप डेथ हो जाती है, उसको एपोप्टोसिस कहते हैं. हल्दी बहुत बेहतरीन तरीके से ज़रूरी सेल्स की एपोप्टोसिस जिनकी बॉडी में होनी चाहिए उसको रेगुलेट करता है. हमारे पास नॉर्मली एक्सरसाइज रिकवरी में जो चीज़ें फेमस हैं उसमें हमारे पास वो फेमस है प्रोटीन पाउडर्स. क्या आपको पता है कि एंटा इन्फ्लेमेटरी हर्ब्स भी एक्सरसाइज रिकवरी के लिए कितने ज़रूरी हैं एथलीट्स वगैरह के लिए? हल्दी से ऊपर एंटा इन्फ्लेमेटरी हर्ब कोई है ही नहीं. अगर जितने भी एक्सरसाइज और एथलीट करने वाले लोग हैं इसको अपनी रूटीन में डेली तौर पर इस्तेमाल करें. मेरी जो बनाई हल्दी अलॉन्ग विद अदर ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट्स, www.holisticwisdombysaharchawla.com पर जाकर आप ऑर्डर कर सकते हैं. इसका जो शिपमेंट लिंक है पूरे पाकिस्तान में हो रही है, मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी. आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.